सिर्फ कुछ व्यक्तियों के निमित्त से लिखी गई है चिट्ठी। पिछले 250 वर्षों से सैकड़ों हजारों लोगों के पठन पाठन और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि जानने में निमित्त बन रही है। बहुत सुंदर चर्चा, वस्तु स्वरूप के विचार, ध्यान और मन के विश्राम प्राप्ति के संदर्भ में यहाँ बनारसीदास जी का छंद प्रस्तुत किया और कहा, रस उत्पन्न होता है, अनुभव आता है। वो अनुभव शांति में है, जहाँ शांति नहीं है वहाँ आकुलता है, जहाँ शांति है वहाँ निराकुलता है, और जहाँ निराकुलता है वहाँ सच्चा सुख है। मन में चलने वाली विचार विकल्प तरंगें जब उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक अपने त्रिकालीन ध्रुव में ही केंद्रित होती है, तो उसे यहाँ ध्यान कहा। और उस ध्यान में ही जब ये जीव तन्मय हो जाता है तो मन विश्राम को प्राप्त करता है। फिर आत्मा के बारे में भी कोई विकल्प नहीं उठते। और रस स्वादत्त सुख, क्योंकि उत्पन्न होने की चर्चा चल रही है। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा मानो चौथे गुणस्थान के बारे में है, क्योंकि उपजे शब्द का प्रयोग किया है ना, रस स्वादत्त सुख उपजे, उत्पन्न होगा। अभी आगे यदि बात करो, सम्यक दर्शन वगैरह की बात करो, या आगे सिद्ध दशा तक पहुंचो, क्योंकि सम्यक दर्शन वहां तक कायम है, सिद्ध दशा तक, तो वहां उत्पन्न होने की बात नहीं, वहां तो अनुभव दशा निरंतर वर्तती है। यहाँ जो अनुभव या को नाम कहा है, यह अनुभूति के अर्थ में अनुभव शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुभूति, हमने शब्दों में थोड़ा सा भेद डाला था, अनुभूति और अनुभव। अनुभूति त्रिकालीन ध्रुव में उपयोग की एकाग्रता, और उपयोग के बाहर आ जाने पर भी वो अनुभव बना रहता है। ये बातें देखी थी हमने। देखिए आप इसकी पंक्तियां पढ़ते हैं, अपन नीचे अर्थ जो लिखा है, इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। माने बिना मन वालों के स्वानुभव नहीं होता, जिनके मन नहीं है उनके अनुभूति भी संभव नहीं है, जिनके मन होगा उनके ही आत्मा का अनुभव संभव है। लेकिन मन होने मात्र से आत्मा का अनुभव हो जावे ऐसा नहीं। जैसे देखो, किसी भी अच्छे बंगले की बात करो,
अच्छी गाड़ी की बात करूं, अच्छे मोबाइल की बात करूं, तो हम ये सब कहेंगे ये सब तो वैभव संपन्न लोगों के ही संभव है, पैसे वालों के लिए ऐसा बोलते हैं ना, पैसा ये चीज तो पैसे वालों की हो सकती है, लेकिन सभी पैसे वाले वो चीज खरीदे ही, ये तो जरूरी नहीं है। यह बात तो सत्य है कि वो जो खरीदेगा वो पैसे वाला ही होगा, ठीक है ना। मान लो 5 करोड़ का बंगला खरीदा है, तो 5 करोड़ का बंगला खरीदा तो वो खरीदने वाला नियम से पैसे वाला ही होगा, लेकिन हर पैसे वाला 5 करोड़ का बंगला खरीदे ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे ही कह रहे हैं सम्यक दर्शन रूपी महल, ये कौन खरीद सकता है, पात्रता किसमें है, वो हैसियत किसकी है, बोले वो हैसियत मन वालों की है। लेकिन हर मन वाला वो सम्यक दर्शन प्रकट कर ले वे, ऐसा नहीं है। नहीं, ताकत तो है, कोई भी हो मन वाला, चाहे वो मन वाला जीव गधा हो जिसे आप मंद बुद्धि कहते हो, क्या सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है वो गधा भी, माने त्रियंच गति का जीव हो, चाहे नरक का नारकी हो, चाहे भवन त्रिकों का देव ही क्यों ना हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, भेड़ बकरी हो, शेर हो, मेंढक का जीव हो, हाथी हो, कोई भी हो, ये सब मन वाले हैं, इन सब के मन हैं, हमारे जैसा मन है, हमारे जैसे विचार कर सकते हैं, हमारी जाति के हैं, बल्कि हमारी जाति के हैं वो लोग, माने उनमें और हमारे में कोई ऐसा फर्क नहीं है, कोई बहुत, ये समझ लो आप शरीर का फर्क है, बाकी और कुछ दम नहीं है। नहीं, क्या बात कर रहे हो, वो लोग जब आपको देखते हैं तो कहते हैं अपने में और मनुष्यों में कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मनुष्यों की बोलने बोलने का आता नहीं है लोगों को, थोड़ा सा बोली अलग है आपकी, बोली अलग है क्या अलग लगे तो उनकी बोली, अरे भाई उनकी भाषा वो समझते हैं, क्या गायों की भाषा गायें समझती है, तेरे शेर की भाषा शेर समझता है, मनुष्यों की भाषा मनुष्य समझते हैं, बोलने का भी फर्क नहीं है, बातें करते हैं गायें आपस में, क्या आपस में बोले बात करे पुकारे आवाज लगाए और आवाज सुन करके आ जाए, ऐसा होता है, गाय आवाज लगाए और बछड़े दौड़ते हुए चले आए, बछड़े आवाज लगाए और गायें दौड़ती हुई चली आए, ऐसा होता है, तो शब्द भी है उनके, आवाज भी है उनके, मन भी है, समझदारी भी है, सुख दुख का वेदन समझदारी सब कुछ है उनके, हमारे जैसे जैसे हम समझदार हैं वैसे ही वो भी समझदार हैं, हिताहित की बुद्धि में जिसका प्रवर्तन हो, ये हित रूप है, ये अहित रूप है, ये सब काम मन का है, हित रूप जानकर किसी कार्य में प्रवृत्ति करना, बोलो किसमें मेरा भला है, क्या मेरे खाने योग्य है, बरसात हो रही है तो बरसात में नहीं खड़े रहना, इधर शेड लगाए उसके नीचे चले जाना, ये बुद्धि है कि नहीं, और श्रुति ज्ञान में भी हो जाता है, हम तो कह रहे मन तो और 2 कदम आगे चलता है, हाँ ये इससे मुझे नुकसान होगा, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये मुझे तकलीफ दे सकता है, ये चीज मेरे लिए हानिकारक हो सकती है, ये विचार करना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और मन, इन तीनों में अंतर की चर्चा हमने पहले की थी, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो प्रकरण आया था तब हमने वहां उस संदर्भ में चर्चा की। मति ज्ञान का काम इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति करना, क्या श्रुति ज्ञान का विशेष कार्य
इंद्रिय रूप तो नहीं, लेकिन इंद्रियों के बाद वाला काम विशेष श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसे कहा श्रुत ज्ञान। और मन, मन में और विशेष बात कही, अभी मैं बतलाता हूँ, देखो उदाहरण से बात समझ में आएगी आपके। पहले मुझे ये बतलाइए कि चींटियाँ चल रही हो और हम उनके आगे हाथ लगा देवे हैं तो वे अपना रास्ता बदल लेती है, बदल लेती है रास्ता, तो उनके मन है या नहीं है? चींटियाँ कितने इंद्रिय जीव है? चींटियाँ तो तीन इंद्रिय जीव है, चींटियों के तो मन नहीं है। तीन इंद्रिय चार इंद्रिय तक के जीवों के नियम से मन नहीं होता, रास्ता कैसे बदल दिया उन्होंने? रास्ता कैसे बदल लिया? श्रुत ज्ञान के बल पर। क्या श्रुत ज्ञान है? देखो छूना ये स्पर्शन इंद्रिय का काम, और छूने के बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, ये श्रुत ज्ञान का काम। समझ आ रही है बात? डिसीजन लिया, बदलना है रास्ता, ये निर्णय लिया ना उन्होंने, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो श्रुत ज्ञान है जो रास्ता बदला है, ये छूने का काम नहीं है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का काम तो हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम इतने मात्र को जानना था, स्पर्शन इंद्रिय का काम तो, इसके अलावा नहीं था स्पर्शन इंद्रिय का काम कुछ भी। रसना इंद्रिय का काम तो खट्टा मीठा कड़वा कशायला चरपड़ा ये जानने का था, ग्रहण इंद्रिय का काम सुगंध दुर्गंध को पहचानना था, चक्षु इंद्रिय का काम काला नीला पीला लाल सफेद इनको जानना था, कर्ण इंद्रिय का काम शब्दों को जानना था। नहीं, ये जो इंद्रिय जन्य प्रवृत्ति हुई, इंद्रियों से प्रवृत्ति के पश्चात जो आगे प्रवृत्ति होगी, इससे आगे जो ज्ञान बढ़ेगा वो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, माने श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की तुलना में विशेष ज्ञान है। क्या होगा? मति पूर्वक ही होगा, मति पूर्वक ही। आपने ये हाथ लगाया, क्या ये छुआ आपने, ये कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय द्वारा मति ज्ञान। छूने पर गरम लगा और आपने हटाया, ये श्रुत ज्ञान है। हटाना ये छूने का काम, छूने के बाद में, छूने के पश्चात हुआ ना, ये श्रुत ज्ञान का काम है। लेकिन अब मन क्या करेगा? यदि मन नहीं है तो दोबारा छूलेगा, और मन होगा तो एक बार छू के देख लिया ना, क्या अब नहीं होगा दोबारा? चींटियां आपने उंगली लगा दी, टच किया, दूर चले गई, फिर दोबारा घूम करके फिर आ गई आपकी उंगली के पास, और फिर टच हुआ फिर हट गई। आप समझ रहे? मति और श्रुत तो है, मन नहीं है। मन होगा तो क्या होगा? पतंगा कीट पतंगे अग्नि जल रही है, दीपक की लौ जल रही है, सामने से पतंगा दौड़ता हुआ है, मच्छर जैसा है पतंगा, चार इंद्रिय आकर्षित हुआ उसकी तरफ, जैसे ही टच हुआ जलेगा उसका पंख, झुलसेगा, तड़प करके नीचे गिर गया। टच हुआ स्पर्शन इंद्रिय और तुरंत जलने से हटा, वो मति ज्ञान था, ये श्रुत ज्ञान हो गया। अब जब जल गया उसका आधा पंख, तड़पड़ा रहा है, अब वो मच्छर दोबारा अग्नि की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। मन नहीं है उसके, उसके मन नहीं है, और फिर दोबारा चला जाता है। तो मन का काम समझ में आ रहा है? मन क्या काम करता है? अच्छा बुरा,
किस किस काम में भला है और किस में अपना भला नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये काम मन का है। वो हाँ सैनी होके भी असैनी है, जनवाणी स्तुति की पंक्ति है, जो जिनवाणी उर्ण धरत है सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी को हृदय में धारण नहीं करता उसका सैनीपन किस काम का। अच्छा चलो अब इस मन मन को थोड़ा सा अप्लाई करो, कहाँ पर, अपने ऊपर, कि हमारे पास में मन है या नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखें अपन। जैसे वो जो मच्छर था ना, वो मच्छर तो पतंगा तो अग्नि की तरफ दोबारा चले गए क्योंकि मन नहीं था उसके पास में। पंचेंद्रिय विषय भोग, भोग सामग्री, समझ लो आप, अनेक प्रसंग ऐसे बने जिन प्रसंगों में हमें तुरंत समझ में आया कि ये बुरे हैं, इनमें सुख नहीं है, ये अपने नहीं है, सब सब बातें आपकी समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ, क्या किया बोलो, जब समझ में आ गई कि ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, फिर चलाना चाहता है, सहनी है क्या, सहनी है, समझ में नहीं आती, जहाँ तेरी चल नहीं रही, जो तेरी सुन नहीं रहा है, जो तेरी मान नहीं रहा है, जो तेरे हिसाब से चलता नहीं है, जिसे तेरी परवाह नहीं है, तो फिर घूम फिर करके पागल है, तो मंद बुद्धि है, क्या पता क्या पता क्या 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 बात कर रहा है। जिस वस्तु में सुख नहीं है इसका मतलब उसमें सुख 100% नहीं है। यदि सुख नहीं है और सुख नहीं होने की वजह से तू वहां से हटा है, तो फिर दोबारा तू उसकी तरफ दौड़ता है। ये कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि तू कहीं असहनी तो नहीं है। क्या फर्क रह गया बता, बुद्धि नहीं है क्या थोड़ी बहुत भी तेरे में, ये निर्णय तो करना पड़ेगा ना तेरे को। लेकिन बस वही है, मोह हावी रहते, मोह है, मोह है, इसलिए ऐसा काम करता है। दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है, मोह की महिमा है ऐसी, समझ नहीं पाता। कितने चांस बनते हैं दिन भर में वेद विज्ञान करने के लिए, ये वस्तु स्वरूप बार बार में आपको कहता है तुम निर्णय करो भैया, तुम निर्णय करो, तुम वेद विज्ञान करो, दो द्रव्य स्वतंत्र है, दोनों की स्वतंत्रता का विचार करो, सब न्यारे न्यारे हैं, कोई किसी को सुखी दुखी करने वाला नहीं है, कोई तेरा भला बुरा करने वाला नहीं है, क्या है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में। ये बातें अप्लाई करने के लिए है ना, लाइफ में सुखी होने के लिए, इसका नाम ही तो वस्तु विचारत है। इसकी इस वस्तु विचारत जो बनारसी दास जी ने शब्द का प्रयोग किया है, इसके लिए पंडित जी साहब ने पहले विचार किया था तत्व विचार, वस्तु विचार कहो या तत्व विचार कहो, एक ही तो बात है। देखो तत्व विचार की महिमा कैसा कह दिया था, ये तत्व विचार की ही ऐसी महिमा है जिसके आधार पर आपको शांति मिलती है, जिसके आधार पर आप सहज रह सकते। देखो तत्व विचार की महिमा, क्या तत्व विचार है, सैंतीस सैंतीस नंबर, ये तो है 260 पे, 260 पर। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित देवाधिक की प्रतीति करे, उपवास आदि करे, व्रताधिक पाले, शास्त्राभ्यास करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, उसे तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला, ये वस्तु विचारत तत्व विचार वाला, वो सम्यक्त प्रकट करने का अधिकारी है, उसको अधिकार है, तत्व विचार वाले को अधिकार है, बाकी को तो अधिकार ही नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ऐसी बात करने का। किसे अधिकार है, कि यह अधिकार तत्व विचार वाले को है, और तत्व विचार कौन करे, मन वाला, जिसके मन होगा वो तत्व विचार कर पाए। जो तत्व कोई नहीं समझता वो क्या तत्व विचार करेगा,
जीव तत्व न्यारा है, अजीव तत्व न्यारा है, सात तत्व है ना, सात तत्वों में से मैं कौन हूं बताऊं? सात तत्वों में से मैं जीव तत्व हूं, इसका मतलब बाकी के छह तत्व मैं नहीं हूं पक्का। तो फिर राग द्वेष आदि विकारी परिणाम में कैसे हो सकता हूं? वो तो आश्रम तत्व के खाते में चले गए। नहीं आ रही समझ में बात? सात तत्व, इन सात तत्वों में से मैं कौन सा तत्व? जीव तत्व। अजीव नहीं हूं ना, आश्रम नहीं हूं, बंद नहीं हूं, संवर निर्जरा मोक्ष भी नहीं हूं। इसका मतलब पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल तो हम है ही नहीं। ये जो राग द्वेष के परिणाम उठते हैं, क्रोधादि कषायें उठती हैं, ये कौन कौन से तत्व में जाएगा? ये आश्रम तत्व में जाएगा भाई साहब। और मैं जीव तत्व हूं, ये आश्रम तत्व। करो ना भेद विज्ञान की, वस्तु विचारक की चर्चा कर रहे हैं, ये विचार क्यों नहीं करते हो तुम? अवध्य स्पष्ट है हम तो, ऐसा है। मन पावे ध्यावते, सच में ये ध्यान करे ना तो बड़ा आनंद आता है। परिस्थिति कैसी भी हो, है परिवार साथ दे या न दे, शरीर साथ दे या न दे, शरीर अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, शारीरिक प्रतिकूलता है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, बिस्तरों में पड़ा है, लेकिन वस्तु विचारत ये हो सकता है। बोलो, कौन रोकेगा? कौन रोके, कौन रोकने में समर्थ है? इसका नाम है धर्म। ये सच्चा धर्म है, धर्म की परिभाषा शास्त्रों के आधार से नहीं। अपनी परिभाषा बताता हूं, धर्म किसका नाम, धर्म किसे कहे, कौन सी क्रिया का नाम धर्म है? हैं? कई कई बार कही है मैंने पहले बात, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म, दंशन मूलो धर्म, ये तो शास्त्रों की परिभाषा है भाई, हम तो अपनी बात कहते हैं। परतंत्रता में धर्म नहीं होता, पराधीनता में धर्म नहीं होता, धर्म स्वाधीन क्रिया है। परतंत्रता में तो दुख है, पराधीनता में धर्म कैसे हो सकता है? अब ये बात यदि आपके दिमाग में रहेगी, पराधीनता में धर्म नहीं हो सकता, तो फिर जहां जहां आपको धर्म बने की कल्पना हो रही है, वहां वहां लगाओ ये बात स्वाधीन है कि पराधीन है। बोलो, पूजन करना ये धर्म है? क्यों था नहीं पराधीन काम है, नहीं आ पा रहे हैं मंदिर, अब क्या करें ऐसी स्थिति, पूजन नहीं कर पा रहे, तो धर्म होगा कि नहीं होगा? उपवास करना, अरे साहब क्या करूं, डॉक्टरों ने ये जो दवाइयां लगी है ना, अब भूखे पेट ले नहीं सकते, अब दवाई भी लेना है, कुछ खाना भी है, बिल्कुल डॉक्टर ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया, भूखे बिल्कुल मत रहो, अब क्या करूं, मैं तो उपवास कर ही नहीं सकता, अब धर्म कैसे होगा? फंस गया मैं तो, अब कैसे धर्म करूं मैं? तो कहा भैया, उपवास करने का नाम धर्म नहीं है, क्योंकि परतंत्र है, शरीर के अधीन है। तो फिर मंदिर जाने का नाम तो धर्म होगा, मंदिर तो रोज जा सकते हैं ना, क्या पैरों में ताकत नहीं हो, उठा बैठा नहीं जा सकता हो, डॉक्टर सीढ़ियां उतरना चढ़ना बंद कर देवे, हॉस्पिटलाइज्ड हो, ट्रेन में हो, सफर में हो, फ्लाइट में हो, 36 घंटे 40 घंटे का सफर हो, मंदिर दर्शन नहीं किए, धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। मंदिर जाना यदि हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्वाध्याय करना धर्म है कि नहीं है? आंखें काम नहीं कर रही, आंखें खराब हो गई, अब धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? कान खराब हो गए, अब सुन भी नहीं सकता, अब धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका मतलब धर्म तो ये इन क्रियाओं के अधीन हो गया। और सुनो, कोई व्यक्ति ने हमारे को कहा, खबरदार जो मंदिर गए तो क्या सब बिगाड़ दिया उन लोगों ने, क्या वहां जाने की हरगिज जरूरत नहीं है तुम्हारे को, नहीं जाऊंगी, नहीं जाने देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मत जाने दो,
घर में झगड़े थोड़ी ना करने, क्या घर बैठ करके ग्रंथ खोल करके स्वाद करने लगे, व्हाट्सएप पर मंगा लिया प्रवचन, बंद करो ये नहीं चलेगा, फोन भी छीन लिया, कोई बात नहीं अपना ग्रंथ खोला और अपना स्वाध्याय कर लो, कोई बात नहीं, इतना तो अभ्यास तो कर लिया ना कि हम उसका मर्म समझ सके, टीकाएं हैं व्याख्याएं हैं, अब तो धर्म कर लेंगे ना, शास्त्र छीन लिया अब क्या करो बोलो, ताला लगा दिया, घर से बाहर नहीं निकल सकते, ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, धर्म हो सकता है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो आप, एक ताले में 48 तालों में बंद कर देवे तो धर्म बंद नहीं होता है? क्योंकि धर्म इन क्रियाओं का नाम है ही नहीं, कहां का धर्म समझ रखा है हमने, इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, इन परिस्थितियों में, इस सामझाम में धर्म नहीं है, धर्म तो अंदर से होता है, अपने पंडित साहब कहा करते थे दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली है, चाचा जी कहा करते थे झांझरी जी साहब है, अरे भाई ये तो कहते हैं यहाँ गर्दन झुकाने की भी जरूरत नहीं है, क्या गर्दन भी झुकाने की जरूरत नहीं है, उपयोग को फेरने की बात है बस, उपयोग फिर गया, गर्दन झुके तो झुके और नहीं झुके तो नहीं झुके, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता, धर्म चिंतन करो वस्तु विचारत फिर ध्याव और मन पावे विश्राम, हो गया धर्म, बोलो नहीं करोगे, माला नहीं फेरोगे, जाप नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, मंदिर नहीं जाओगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं, और आंखें निकाल ले और कान फोड़ देवे, बोलो अब क्या करें, तो भी हो सकता है, फिर कैसे करोगे, अब कर बेटा कैसे करेगा धर्म, मैं भी देखता हूँ अब कैसे करेगा धर्म, अरे तुम्हें पता ही नहीं है धर्म कैसे होता है, सोचने पे रोक नहीं लग सकती, बोलो ये तो पिक्चर वाले तक कह देते हैं पिताजी आप कुछ भी रोक टोक लगा दो लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल टीवी की स्क्रीन पे नहीं दिखाते हैं ऐसी बातें, बोलो आप कुछ भी कर लो लेकिन आप कहीं से भी निकाल दो, घर से निकाल दो, यहां से निकाल दो, मुझे बंद कर दो है? लेकिन मेरे दिल और दिमाग से कैसे निकाल पाओगे, ये कह रहे हैं धर्म, धर्म धर्मात्माओं के अंदर होता है, धर्म पराधीनता में नहीं होता, ये धर्म मन जनित है, ये धर्म मन से उत्पन्न होता है, मन हमारे पास में है, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे जो निज में समाए रहते हैं सब काम जगत के किया करे नहीं मोह किसी से करते, घर में रहो वन में रहो भोजनशाला में रहो गार्डन में रहो पार्क में रहो मंदिर में रहो कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ता है, ड्राइंग रूम में हो चाहे बेडरूम में हो क्या फर्क पड़ता है, जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो ज्ञायक रहो बस ज्ञायक ही रहो, अरे रहो क्या है तू उसे स्वीकारो, ज्ञायक रहो मैं ज्ञायक हूं इस बात की स्वीकृति कर, मैं ज्ञायक हूं मैं जाननहार हूं बस मैं जानने वाला हूं और कुछ नहीं, बस ये निर्णय कर इसके अलावा और कुछ नहीं, हूं ज्ञायक हूं गुजराती है क्या, मैं ज्ञायक हूं तू स्वयं परमात्मा है ये निर्णय कर अपना, तो ही भगवान है भाई, देखो आप इसलिए इन्होंने ये कहा कि स्वानुभव को मन जनित कहते हैं, मन कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है, ये मन का बहुत बड़ा रोल है, आप बैठे यहाँ हैं और आपका मन कहीं और है, फिर आप कह रहे हैं समझ में नहीं आई कि समझ में कैसे आती, मन तो तेरा कहीं और था, क्या समझने का काम मन से होता है, क्या समझने और समझाने का काम
ये मन वचन काय वालों के है। मन वचन काय समझने समझाने का माध्यम है। मन वचन काय वाले ही समझते हैं और मन वचन काय से ही समझाया जाता है। इसलिए मन की अहमियत है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, भेद विज्ञान के लिए, स्वानुभव के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए ये जरूरी है। मन जनित कहते हैं। मन जनित माने मन से जन्म लेने वाला, जनित मतलब मन जनित, मनज मन से जन्म लिया है जिसने, जन्म हाँ मन से उत्पन्न होने वाला भी कहते हैं स्वानुभव को। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कोई विरोध नहीं है। ये नहीं कह रहे कि अंतर नहीं है। क्या समझ में आया? बहुत एक एक शब्द बहुत मार्मिक है, ध्यान देना क्या कहा। अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, अंतर तो है, बोलने में विरोध नहीं है। मन जनित और अतीन्द्रिय इन दोनों में अंतर तो है, विरोध नहीं है, कुछ विरोध नहीं है आपस में। दोनों बातें कह सकते हो भाई आप। हम ट्रेन से आए हैं और हम ट्रेन से उतर कर आए हैं। क्या हम सीढ़ियों से ऊपर आए हैं और सीढ़ियां छोड़कर आए हैं? दोनों बातें कह सकते हो, विरोध दोनों में नहीं है, लेकिन बातें दोनों अलग अलग है। बातें दोनों अलग अलग है, भाव एक ही है। क्या फर्क पड़ता है, क्या जो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर आ गया, ट्रेन में चल रहे हैं, जयपुर आ गया, जयपुर आ गया, चलो चलो उतरो फटाफट, जयपुर आ गया, जयपुर आ गया, ऐसा कहो या फिर वहीं प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे खड़े खड़े कहो हम जयपुर आ गए। अरे दो मिनट पहले तो कह रहे थे जयपुर आ गया और अब कह रहे हो हाँ भाई सब कहो हम जयपुर आ गए। अभी कह रहे हो हम जयपुर आ गए, अभी कह रहे थे जयपुर आ गया। सच्चाई क्या है? दोनों में से चलता है, दोनों बातों में फर्क है, फर्क है, लेकिन चलेगा, चलता है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं मन जनित है कि मन पावे विश्राम है, कि मन जनित भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है कि मन पावे विश्राम है। इसलिए इन्होंने कहा अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध तो नहीं है। दो पार्टियां खड़ी हो जाए, एक कहे मन जनित है, दूसरा कहे नहीं है अतीन्द्रिय है, झगड़ा मत करो, बात एक ही है। हाँ गलत अभिप्राय गलत नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति मन जनित मान करके आत्मा के अनुभव को विकल्प जनित मानने लगे वो गलत है। मन जनित कहने का अर्थ विकल्प जनित ऐसा नहीं है, विकल्पों में आत्मा पकड़ में आएगा ऐसा नहीं है। विकल्प रहित, विकल्प टूट जाएंगे तो आत्मा पकड़ में आएगा। आत्मा का स्वरूप विकल्पातीत है, विवक्षा भेद है। तथा तुमने लिखा कि क्या लिखा, आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। बात तो सच्ची, आत्मा अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, और मन अतीन्द्रिय नहीं है। ज्ञान तो अतीन्द्रिय हो सकता है। सो भाई जी, क्या सो भाई जी, कैसे विशेषण देते हैं देखो तो सही है। मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य कहे उक्तम च तत्वार्थ सूत्रे, तत्वार्थ सूत्र में जैसा कि कहा गया है। क्या कहा है? मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। दो चार दिन पहले बोली थी हमने ये सूत्र बोला था, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध। देखो सूत्र देखो क्या कह रहे हैं, मति श्रुतियो हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का निबंधो संबंध किससे, द्रव्येषु, द्रव्येषु सब द्रव्यों में, द्रव्येषु बहुवचन है, सब द्रव्यों में द्रव्येषु क्षय है आधा और आगे वह संधि विच्छेद करो इसका, द्रव्येषु और अ
ये वह जो है इसमें से दो अक्षर निकलेंगे, एक ऊ की मात्रा और एक अ। कातंत्र व्याकरण में संधि प्रकरण में इसके लिए सूत्र आया है वमु वर्ण है, वमु वर्ण है। और लौकिक में जो अभी चलती है पढ़ते हैं विद्यार्थीगण, उसमें इको यणची क्या इस सूत्र के माध्यम से ये व जो है इसमें से दो चीजें निकली, एक तो ऊ और अ, ऊ और अ। तो कह रहे द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु, सब द्रव्यों में, मतियान और श्रुतियान का संबंध सब द्रव्यों से, मतियान और श्रुतियान जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब द्रव्यों को पकड़ते हैं, किंतु असर्व पर्यायेषु। तो फिर साहब सब द्रव्यों को जानते हैं तो केवल ज्ञान में और इनमें क्या अंतर रह गया? यदि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी सब द्रव्यों को जानते हैं तो केवल ज्ञान और मति श्रुति ज्ञान में क्या फर्क रह गया? फर्क है, क्या फर्क है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सारी पर्यायों को जानते हैं, और ये कहा असर्व पर्यायेषु, सब पर्यायों को नहीं जानते, इतना फर्क है। लेकिन मन के माध्यम से मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से इनको जाना जाता है, सब द्रव्यों को जाना जाता है। ये सूत्र इसलिए प्रस्तुत किया कि मति श्रुति ज्ञान का विषय अमूर्तिक भी है, मति श्रुति, क्योंकि ये तो अमूर्ति की है ना, पांच द्रव्य तो जीव धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांच द्रव्य अमूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य अमूर्तिक है और पांच द्रव्य अमूर्तिक है, तो छहों द्रव्य पकड़ में आ रहे हैं, इसका मतलब अमूर्तिक भी पकड़ में आ रहा है, ये अर्थ निकला ना। देखो इससे सिद्ध हुआ कि मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से अमूर्तिक बात भी जानने में आती है। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, सो भाई जी क्या क्या, क्या मधुर संबोधन है, है? कितना वात्सल्य भाव झलकता है, साधर्मियों के प्रति कितना प्रेम भाव झलकता है, ऐसा वात्सल्य भाव है साधर्मियों के प्रति जैसा होता है, कैसा गजब है, अत्यंत प्रीति का भाव है। ये नहीं ठीक है तुमने पूछा और हमने जवाब दे तो दिया, और क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा बार बार और इससे ज्यादा नहीं, इतना ही समझा सकता हूं मैं, समझ में समझो समझ लेना। नहीं भाई अत्यंत प्रीति पूर्वक समझाते हैं, क्या जहां अत्यंत वात्सल्य होता है, जहां अत्यंत प्रीति होती है, वहां एक एक क्रिया में अत्यंत प्रीति झलकती है, हर क्रिया में हर कार्य में प्रीति झलकती है, और जहां प्रीति नहीं होती है वहां ऐसा होता है ये धरा है ले लेना। ऐसा होता है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा बड़ा गजब बात है, ये साधर्मियों के प्रति कैसा वात्सल्य, अरे भाई कैसे नहीं है प्रीति, एक ही रस के रसिक हैं, धर्मी सौ गो बच्चे प्रीति सम, शादी अनंत काल का साथ है और एक ही मंजिल तक पहुंचना है, शिखर जी ऊपर तक जाना है सबको, रास्ते में चलते चलते भी अरे चलो क्या है, अरे आ रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है, अनजान भी सहयोग करने लगते हैं, ये काय का सहयोग है, ये देखो कितना मधुर संबोधन करते हैं यहाँ। प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है नहीं, और सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्षपना नहीं होता, तो श्रद्धा गुण की बात है, सम्यक दर्शन तो प्रतीति स्वरूप है, प्रतीति में फर्क नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि चौथे गुणस्थान वाले के या अनुभूति के काल में श्रद्धान जो कहा है वो अनुभूति के काल में तो श्रद्धान प्रत्यक्ष होगा और अनुभूति से बाहर आने पर शुभोपयोग के काल में वो सम्यक दर्शन परोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। अनुभूति के काल में प्रत्यक्ष और शुभाशुभ के काल में परोक्ष, ऐसा नहीं है।
चौथे गुण स्थान में परोक्ष और सिद्ध दशा होने पर सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है भाई, सम्यक दर्शन तो चाहे चौथे गुण स्थान वाले का हो चाहे छठवें सातवें गुण स्थान वाले का हो, चाहे सम्यक दर्शन अनंत भगवान का हो चाहे सम्यक दर्शन सिद्ध परमात्मा का हो, सम्यक्त्व की अपेक्षा से, प्रतीति पने की अपेक्षा से, ये मैं हूं, ये जो प्रतीति है अंदर में, इस अपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपसे पूछते हैं, चलो कोई बात नहीं, इतना बताओ मेरे को आपका नाम क्या है? अजय, 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 अजय मेरा नाम है। अच्छा, तो आपका ये जो नाम है ये सोते समय तब भी, जागते हुए भी, अब बीमार पड़ जाते हो तब पूछे तो तब भी, और यहाँ हूँ तब तो आपका नाम यही है, और जब आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो तब भी यही है? नहीं, आपसे पूछेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं, हमारा जो नाम है वही है, और उसकी प्रतीति, उस नाम के साथ में मैं पने की प्रतीति। यहां बैठे बैठे अभी जो आपको नाम पुकारा, तो नाम पुकारने पर जो तुरंत अलर्ट हो जाता है, कान अलर्ट हो जाते हैं। देखो कोई व्यक्ति इधर उधर झांक रहे थे, ऐसे ऐसे इधर उधर देख रहे थे, हमने नाम पुकारा, हाँ ये क्या हुआ है? ये जो आपका नाम सुनते ही जो झटका लगा है, ये किस वजह से लगा है? मैं पना, उस नाम के साथ में तन्मयता, ऐसे ही हम कह रहे हैं ये जो तन्मयता अपने आत्मा के साथ में है, ये तन्मयता जो चौथे गुण स्थान में एक बार हुई है, यह तन्मयता सिद्ध दशा तक बराबर चलती है। माने शुभ में हो तब भी, पूजन कर रहा हो तब भी, भक्ति कर रहा हो तब भी, और इतना ही नहीं, दुकान पर बैठ करके नोट गिन रहा हो तब भी, सम्यक दृष्टि डॉक्टर हो सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि वकील हो सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि मजिस्ट्रेट हो सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि गाड़ी चला सकता है कि नहीं? अरे साहब आत्मा में चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो आप? सम्यक दर्शन प्रतीति का नाम है, सम्यक दर्शन प्रवृत्ति का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन और आत्मा की अनुभूति में भी अंतर बतलाया था हमने, अनुभूति से सम्यक दर्शन की प्रकटता है, लेकिन अनुभूति के बाहर आ जाने पर भी सम्यक्त्व मेंटेन रहता है। अनुभूति से बाहर आने पर भी चाहे अशुभ भाव क्यों नहीं चल रहे हो, चाहे गुस्सा क्यों नहीं कर रहा हो, चाहे कषाय क्यों नहीं हो रही हो, उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन कायम रहता है, मेंटेन रहता है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, और ये जो प्रत्यक्ष परोक्ष पने की जो बात कही है आपने, ये प्रत्यक्ष परोक्ष पना ये ज्ञान में होता है, लिखा है ये सारा सब विस्तार से। अभी जो शुरू किया है अपन ने ये प्रकरण, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त्व के भेद है ही नहीं, चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान। बोलो, बार बार में हम कह रहे थे, कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, कई लोगों को लगता है साहब सिद्धों जैसा तो मत कहो साहब, कहाँ घर गृहस्थी के प्रपंचों में उलझा फंसा आदमी है और कहाँ भगवान है, तुम दोनों को एक ही कह रहे हो, हम कौन कहने वाले? आगम आधार से बोलते हैं, चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व, चौथे और सिद्धों के सम्यक्त्व में भी कोई अंतर नहीं है, इसलिए सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है। बोलो, सम्यक्त्व तो यथार्थ श्रद्धान रूप है, वो जीव शुभाशुभ कार्य करता भी रहता है, कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि ज्ञायक पर है, वही मन रहता है हर समय गगरी पर, गगरी की ओर पर रहता है हर समय मन, गगरी की ओर मन तो वहां है, ध्यान तो वहां है, बातें करती जाती हैं, काम कुछ भी कर रहे हो ध्यान तो उधर ही है। देखो माताएं बहने घर में किचन में काम कर रही हो,
और डेढ़ दो साल का बच्चा वहीं पास में हो, कितना भी काम करते रहे लेकिन ध्यान तो क्या कर रहा है, लग नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, कोई गलत चीज खा नहीं ले, गिर नहीं जाए, सीढ़ियों की तरफ नहीं चला जाए, वहां से गिर नहीं, बराबर ध्यान रहता है। क्यों? वो तन्मयता है, वो लगाव है उसके प्रति। कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ध्यान बच्चे की तरफ है। ऐसे ही कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ध्यान कहाँ है? अपने स्वभाव के साथ में ध्यान वहां है, और उपयोग शुभ में भी जाएगा, अशुभ में भी जाएगा और शुभ अशुभ के काल में, अशुभ से शुभ में और शुभ के काल में भी शुद्धता की प्राप्ति का प्रयत्न ये बराबर चलता है उनके। इस तरह की बातें यहाँ कही है, और भी सुंदर प्रकरण दिए हैं, अपन इस विषय को कल और आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को तो यहीं रखते हैं।